बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई। हस्बैंड अगर वाइफ को बुलाएगा, और वाइफ इतनी टैलेंटेड भी होगी, तरीके से बुलाना ही है यार, जैसे आपकी मर्जी, आपका स्टाइल है। अच्छा जी, ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम करेंगे हम उनको जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन कर चुकी हैं। और मैं उसके बारे में जितना भी कहूँ कम ही है, बिकॉज मेरी लाइफ को टर्न करने के लिए मेरे टर्निंग पॉइंट जो बना वो मेरी बेगम ही बनी, क्योंकि उसके आने के बाद जो ज़िंदगी में खुशियाँ आई वो अल्फाजों में बयान करना जो है वो नामुमकिन है। सो प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर, लेट्स वेलकम माई ब्यूटीफुल वाइफ एमन खान। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, जैसा जादू है ये सारी चाल। मुबारक, ईद मुबारक। दिनों बाद मुलाकात। जी बिल्कुल, हेलो। नहीं, परेशान नहीं होनी चाहिए इस पे आना, बिकॉज़ कराची की सड़कों का भी ऐसा ही हाल है। ऐसे ही हाल है बिल्कुल, लेकिन हम गाड़ी में ऐसे खड़े नहीं होते ना। गाड़ी में ऐसे पकड़ के खड़े बैठे होते हैं, वो नहीं डाला, नहीं डाला। नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई, ईमान कैसी है आप? बिल्कुल ठीक। हम कितने ईदों बाद मिल रहे हैं? हम हर ईद पे ही तकरीबन मिलते हैं। नहीं नहीं ईमान, हम मिले थे जो कोरोना शुरू हुआ था, yes, पहली yes, yes. हमने छोटा सा बेबी के बाद पहला ईद शो किया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पैंपर बनवाए थे जिसमें आपने जी शो में, भाई पैंपर बांध रहा मैं गुड़िया के, तो तब यही बनता था ना करने का। हां नहीं न्यू बेबी न्यू बॉर्न बेबी। अच्छा, वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने इनको इंटरव्यू किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा हेल्पफुल है कामों में, अमल के कामों में। और हेल्पफुल नहीं करवाना ना चाहिए आपको काम। हां कोई करता नहीं, ये सही कह रही है, ये टैलेंट है, करवाना आना चाहिए। आपका भी बच्चा इक्वल है यार, आपने भी करना है, आपने भी बेटा बनाना है। तो एवन ईद पर वायरल हो जाएगा क्लिप। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहती हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।